बॉलीवुड में एक कहावत कही जाती है कि बैड पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। तो क्या ऐसी मार्केटिंग फॉर्मूले को अपनाकर बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज से पहले काफी विवादों में थी और भगवे रंग को लेकर इसका विवाद भी छिड़ा था, लेकिन जब रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया इस फिल्म ने। अब ऐसे में सैफ अली खान और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष भी रिलीज से पहले विवादों में थी और रिलीज के बाद भी विवादों में है। तो ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाएगी, ये वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। दरअसल ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन ही अच्छी कमाई की है। कहा जा रहा है कि फिल्म पहले दिन ही 90 करोड़ की कमाई कर सकती है। वहीं 5 भाषाओं में रिलीज हुई फिल्म सिर्फ हिंदी स्क्रीनिंग में 36 से 38 करोड़ रुपए कमा सकती है। आदि पुरुष के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर दबदबा नजर आया। वहीं भारत से लेकर विदेशों तक इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मल्टीप्लेक्स हो या फिर सिंगल स्क्रीन, फिल्म बेहतर साबित हो रही है। हालांकि फिल्म देख चुके दर्शकों के मिलते जुलते रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वहीं आदि पुरुष ने जिस तरह अपनी रिलीज के पहले दिन ही कमाई की है, उसके बाद ये कोरोना के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुए ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे पठान और केजीएफ चैप्टर 2 के बाद तीसरी सबसे अच्छी ओपनर बन गई है। जहां फिल्म के हिंदी स्क्रीनिंग में 36 से 38 करोड़ रुपए कमाए जाने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं तेलुगु स्क्रीनिंग के साथ साउथ की कमाई को जोड़ा जाए तो फिल्म की पहले दिन की कुल कमाई 90 करोड़ रुपए नेट और 110 से 112 करोड़ रुपए के टोटल कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी विदेशी नंबरों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन शुरुआती दिनों में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 140 से 150 करोड़ रुपए हो सकता है। बता दें कि फिल्म को लेकर विवादों का सिलसिला इसकी रिलीज के बाद भी जारी है। तो आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।